नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेश और स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स के क्यू एन ए सेशंस में। काफ़ी दिन हो गए थे क्यू एन ए, इतने सारे क्यू एन ए मेरे पास हैं जो लाइक बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस, तो उसके मैं रिप्लाई करता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि सर आप क्या क्या करते हो, लाइक इतने सारे जगह यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, लाइक क्या क्या बिजनेस करते हो, क्या यूट्यूब ट्यूशंस पढ़ाते हो, बहुत बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, तो मैं समझ गया कि अल्टीमेटली ये जानना चाह रहे हैं मेरे बारे में दोस्त। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो लास्ट 12 ईयर्स से मैं 11th 12th और ग्रेजुएशन के बच्चों को अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स दिल्ली के हर स्कूल के बच्चे पढ़ाए हैं, DPS से लेके बसंत वैली, स्टेप बाय स्टेप हर जगह पढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ा पढ़ाना कम हो गया है बिकॉज वी आर डूइंग जस्ट डिजिटली, मैं डिजिटली ज़्यादा काम करता हूँ। लाइक लोगों को वीडियो मार्केटिंग के बारे में सिखाता हूँ कि व्हाट इज़ लाइक वीडियो मार्केटिंग और इसकी ग्रोथ क्या है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में जब आप अभी लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स वाई आई एम चूजिंग वीडियो मार्केटिंग। और मैं अप्रोच भी करूँगा आप सबको कि इफ़ यू आर लाइक बिकम अ वीडियो मार्केटर तो फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। जैसे मैं आई एम कंसल्टिंग सो मेनी कंपनीज राइट नाउ, जहाँ मुंबई देखते होंगे बार बार, हर जगह मैं जाके कई कंपनीज को मैं कंसल्टेंसी देता हूँ कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो ये अच्छी बात है कि आप एक अच्छे मार्केटर बनेंगे, किसी की हेल्प करेंगे तो कुछ आपको रिम्यूनरेशन मिलेगा, अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है आपको बैठे बिठाए, जो कि यूट्यूब की वीडियोस और अदर से बहुत ज़्यादा होता है। आज डिस्क्लोज नहीं करूँगा बट एक मेरा वो काम है, उसके बाद मेरा खुद का अपना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है जो अमेजोन पे सेल होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम आई वर्क विद लाइक मीसो एंड ऑल, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप भी मीसो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। दिस इज नॉट अ पेड, ऐसा कुछ वो स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट लिंक है, जाना चाहो तो जाओ, मत जाओ, मत भी बोल रहा हूँ क्योंकि भी आपको अगर स्पॉन्सर कर दिया, डिपेंड्स ऑन यू। काफ़ी अच्छा हुआ क्या लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं एज अ यूट्यूबर, क्योंकि मैंने खुद अच्छा खासा अर्न किया मंथली। अगर आपका 70-80+ बैठे बिठाया जा रहा है, क्या बुरा है यार, क्या बुरा है, कर सकते हो। सो मेरा एक वो काम है, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशंस मेरा काम है, उसके बाद यूट्यूब पे चैनल्स हैं अपने 2-3, यहाँ मैं काम करता हूँ। और भी कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स अपकमिंग, जैसे लाइक अनलिफ्ट का स्टूडियो अपना दिल्ली में खुलने वाला है, लॉट्स ऑफ क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। स्टे ट्यून, बने रहो यार, एज अ क्रिएटर हो तो वो क्वालिटी आपको मिलेगी ना, अभी जो वीडियो बन रही है इससे एकदम नेक्स्ट लेवल की वीडियो आपको मेरे चैनल पे भी देखने को मिलेगी, और जो क्रिएटर्स एंड लिफ्ट जुड़े हुए हैं उनके साथ भी मिलेगा। सो अगर आप कांटेक्ट करो उनको तो मेरा नाम जरूर लिख देना कि भाई हमने बताया है उनको भी लगे कि मेरे थ्रू अगर आप कॉन्टैक्ट करो, बट स्टे ट्यून, मैं खुद आपको ऑनबोर्ड करूंगा अपने लिए। अभी बस मुझे बस 20 या 30 डेज का टाइम दे दो, जस्ट वेट फॉर सेप्टेम्बर, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा काम। सो ये मेरा काम है, बहुत सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म में कर रहा हूँ साथ में, तो बस इन्हीं चीज़ों में लगा रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेता हूँ कि भाई सर आजकल यूट्यूब पे बहुत से लोग गाली गलौज करते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी भाव, तो ऐसे लोग पॉपुलैरिटी ले लेते हैं और बाकी लोग दोस्त मैं यार देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, समझना पहले इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी नॉर्मली क्या होता है, जनरली आप किसी भी नॉर्मल पर्सन को बोलो कि भाई बंदी वाला एक वीडियो बनाते हैं, तू बंदी छेड़ जियो, मैं आके ना बचा लूँगा, और एक समाज में मैसेज जाएगा कि भाई लड़कियों को मत छेड़ो, लड़कियों को मत छेड़ो, एक मैसेज जाएगा। आप बोल के देखो, आपका दोस्त बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं कर रहा, मेरा मैसेज चला जाएगा गलत लोगों में, पता नहीं क्या होगा, मेरी बेइज्जती हो, होना कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो ना कहता है। बताओ एक सोशल मैसेज देने के लिए, जिससे उस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का लाइक ब्रेन चेंज होता, वो देखने के लिए वो वीडियो नहीं बना रहे, तो वो बंदा एटलीस्ट कोई पाकिस्तानी या कोई लाइक अदर बंदा जो अपने देश के खिलाफ, अपने झंडे के खिलाफ कुछ गलत बोलता है, उसको वो अगर सही वे में गाली देके अगर सुधारने की कोशिश कर रहा है, कम से कम तुम्हारा हौसला तो बढ़ाता है, उनको उनको हड़का के जवाब तो देता है, तो यार उन बंदों को हम डिस्करेज क्यों करें। और पॉपुलैरिटी होनी होती तो दुनिया में बहुत से लोग बहुत सी गालियाँ देते हैं, वो क्यों नहीं पॉपुलर हुए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को एक चीज़ से पॉइंट आउट कर लो, अरे ये पॉपुलर हुआ तो गाली इसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो बंद सबसे पहली बात उसके अंदर बंदे के अंदर गट्स है कि वो रोड पे खड़े गाड़ी लगा के वो गाली बकता है और कहता है बता कहाँ मिल रहा है वहाँ, मैंने भी दी वीडियोज़ देखी हैं, तो आई लाइक द वे, मुझे तो पसंद है ऐसी चीज़ें, क्यों ना देखूँ। गाली देना अगर सिर्फ लाइक पॉपुलर होता तो बहुत से बंदे हो चुके होते जो कि नहीं हुए हैं, तो उस बंदे में वाकई क्वालिटी है और एटलीस्ट वो अपने नेशंस के लिए खड़ा तो है, तो मैं यार सपोर्ट करता हूँ ऐसे बंदों को। और जो लोग अगर ऐसा होता तो कैरी मनाठी यार, वो भी तो गाली गलौज करता था पहले, इनफैक्ट अब उसने कम कर दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि वो पता है उसने वो अचीव कर लिया, बट हुए ना लोग अचीव करके आ रहे हैं, कैरी आगे बढ़ा है, बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यार गाली इट नॉट जस्ट कि आप उसको ऐसे फ्रेम करो गाली की वजह से हिट हुआ, बहुत से लोगों मैंने देखे जो उसके खिलाफ में वीडियो बनाई कि गाली से हिट हो रहा है, बट मैं मानता हूँ क्योंकि मेरा खुद का अपना रिसर्च क्या था, 3 साल से मैं इन्हीं चीज़ों पर लगा हूँ क्रिएटर्स में,
कि गाली देने से कोई बंदा हिट नहीं होता, उसमें वाकई टैलेंट है, उस वाकई में भाई टिकटॉक पे कितने घूम रहे हैं भाई अल्लू पल्लू से, वो कैसे हिट हो गए हैं। तो जब वो बंदे हिट हो रहे हैं तो एटलीस्ट इस बंदे ने तो करेज दिखा अपने नेशंस के लिए, लोगों को हड़काया है, तो इसके लिए एटलीस्ट तो आई सपोर्टेड, मतलब मैं तो सपोर्ट करता हूँ हिंदुस्तानी युवा को। सुनता नहीं हूँ इनकी ज़्यादा चीज़ें क्योंकि मुझे पता है, लेकिन कई बार मैंने बहुत सी इनकी वीडियोस देखी हैं, अभी मीटअप था इनका वो मैंने देखा था। सो लाइक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सर मेरा चैनल जो है वो वीडियोस बहुत डाल चुका हूँ, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस, लेकिन अभी तक चैनल पे वो ग्रोथ नहीं आती, कुछ वीडियो चल जाता है बट कुछ वीडियोस नहीं चलती, सो व्हाट वी डू। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्फ्लुएंसर और एक होता है चैनल। आपको चैनल को ग्रो करना है, एज ए इन्फ्लुएंसर ग्रो होना है, दोनों में बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। चैनल जब आप बनाते हो, इसको समझो यार, ये बहुत बड़ा टॉपिक है फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। एज ए इन्फ्लुएंसर बड़ा आसान होता है ग्रो करना, वो कहते हैं ना कि अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो अकेले भागिए, लेकिन दूर तक जाना है तो टीम बनानी पड़ेगी। सो अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप जल्दी पॉपुलर हो जाओगे, आप लाइक आगे चले जाओगे, आप वीक में 2 वीडियो डालोगे, 3 वीडियो डालोगे, तब भी आप पॉपुलर हो। बट एज अ चैनल ग्रो करना चाहते हो, जिसपे आप बहुत सारी वीडियो ग्रोथ के साथ साथ 2 वीडियो डाल रहे हो, लाइक 3-4 महीने में आपने डाल दी, आई डोंट नो कितना टाइम लगा आपको, इस सिचुएशंस में आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रैटेजिकल एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि इस तरीके से वर्क करना चाहिए। आखिर आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप क्या न्यूज़ बनाते हैं, तो न्यूज़ में व्हाट, आजकल 10 तरीके के न्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स का अलग, बॉलीवुड का अलग, पॉलिटिक्स का अलग, रीजनल अलग, किन चीज़ों में जानना चाहते हैं। मैंने अभी मुंबई में इवेंट था, मैंने वहाँ कहा भी कि अगर आप रीजनल में भी जाते हैं ना तो दी हैव अ टारगेट, आपका एक टारगेट ऑडियंस है कि भाई इतने लोगों को टारगेट करना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप मराठी वीडियोज़ बनाते हैं तो 83 मिलियन तो पॉपुलेशन है भाई, 83 लोग लाइक मराठी बोलते हैं, तो अगर आपने 83 मिलियन का 1.2% भी ले लिया, 1% क्या 0.2% भी निकाल लो, तो आपको तो वैसी जनता मिल गई, तो आप उसी में काम करो अगर मराठी हो तो। सो आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद वर्क करनी पड़ेगी, ये चीज़ हो गई। तो चैनल को पहले एक दिन रुको, वीडियो मत डालो ज़्यादा, रुको, जस्ट वेट कि क्या चल रहा है भाई चैनल पे, स्ट्रैटेजी क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, कहाँ पहुँचना है, कॉन्टेंट क्या है, उन चीज़ों पर वर्क करो। वीडियो 10 की जगह 4 ही डालो, बट वो 10 का काम कर जाएगी एक टाइम के बाद, एंड आई एम श्योर पीपल विल नोटिसिंग यू और आपके चैनल्स को लोग बार बार देखेंगे। मेरी तो यही सलाह है जो मैं बाकी लोगों को दे रहा हूँ, आपको भी दोस्त दूंगा। नेक्स्ट है कि सर आप बिहार से हैं और बिहार कब आ रहे हैं। भाई बिहार, बिहार तो यार मैं जा ही रहा हूँ आजकल, अभी फिर जाने वाला था, मेरी दादी को लेकर, उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती है, सो लेकिन मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, सो मेरी दादी को मेरा भाई जो है वो लेके आ रहा है 1-2 दिन में। नेक्स्ट सवाल है कि सर यूट्यूब पे जो है वो पैसे कम मिलते हैं, ऐसा क्या करूं कि लाइक मैं ज़्यादा पैसे और अर्न कर सकूं, और क्या इसका तरीका है। दोस्त देखो, यूट्यूब इज जस्ट नॉट ऑफ मनी, अगर आप सिर्फ पैसों की वजह से यूट्यूब पे आते हैं ना तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट सिर्फ पैसा होगा। यूट्यूब पे आने का मतलब है कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जब वो स्किल्स को आप जीते हैं ना तो ऑब्वियसली पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ आपके पास आती है। राइट नाउ जब मैं क्रिएटर्स से मिलता हूं तो वो मेरे से काफ़ी टच में हो जाता है, सर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर, व्हाई, बिकॉज मैंने जब यूट्यूब पे स्टार्ट किया तो आई स्ट्रगल लॉट, इसलिए मैंने अपना कोर्स भी बनाया था कि आप लाइक दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लाइक आप टीम विल कंसल्टिंग की व्हाट वी डू। सो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि यार वो जो 7 घंटे मेरे को थंबनेल बनाने में लगे थे, जिसमें से 5 मिनट लगते हैं, 7 घंटे मुझे पहले नाम ढूंढने में लगे थे कि थंबनेल क्या वर्ड होता है, तो बाकी क्रिएटर्स को समझ आए, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए मैंने ये चीज़ें बनाई थी कि वो लोग काम कर सके। आज मुझे खुशी है कि 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं अपने कोर्स में इनरोल करा पाया, और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जरूर हो सकता है, हर जगह नाराजगी होती है, 2000 के 2000 कई बच्चे नहीं होंगे, कई सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आज अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा चैनल चल रहा है। हर दिन सुनता हूँ सर आज मेरे 4000 सब्सक्राइबर हो गए, 0 से 4, किसी के 10, कोई तो लाख, किसी की वीडियो पे हर वीडियो पे 5-5 लाख व्यूज़ आते हैं, वो आप देखते हैं, वसंत करके हमारा स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रैंक वगैरह बनाता है। सो ये सब चीज़ें मेरे साथ होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं एज अ कंसल्ट, इट्स नॉट अबाउट यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब है, टिकटॉक है, लाइक लाइकी है, लाइक अपना वीगो वीडियोस हैं, सो मेनी स्ट्रीमिंग ऑफ लाइक वीडियो प्लेटफॉर्म, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, IGTV पे है, हर जगह पे लाइक वीडियो मार्केटिंग बहुत बड़ा बूस्ट आने वाले टाइम पे, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं गारंटी देता हूँ। एक टाइम था
जब रेडियो को टीवी ने बर्बाद किया, जितने भी स्टार्स थे सब खत्म हो गए जो रेडियो पे बनते थे, टीवी आए लोग टीवी स्टार्स देखने लग गए, जो रेडियो वाले थे उन्होंने टीवी पे जंप किया, जितने आना चाहे आ पाए, जो नहीं आना चाहे वो खत्म हो गए, कोई जमाना नहीं जान पाया, टीवी स्टार्स आज कहाँ निकल गए। सो राइट नाउ दिस इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट स्ट्रेटजी में लगे रह जाओगे, ब्लॉगिंग में कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बट इफ यू आर डूइंग मेकिंग वीडियोज यू बिकम स्पेयर्ड, लाइक आप अलग लेवल से जा सकते हो। सो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, यही चीज सिखाता हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डायरेक्शन मोटिवेशन, जो मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, वर्थ इट। आई एम नॉट डूइंग एक रूम में बैठा लोगों को कोर्स देके सो गया, मैं वर्कशॉप लेता हूँ, बूट कैंप आप देख पा रहे होंगे कि बूट कैंप्स लेता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जाता हूँ अलग अलग सिटीज़ में, वहाँ पे मेरे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, आई एम डूइंग जस्ट वीडियो मार्केटिंग पे मेरे सेशंस होते हैं जो मैं लोगों को देता हूँ, कि व्हाट डू, क्या करना चाहिए यार लाइक लाइफ में। सो आप अगर डिजिटली आना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें करिए। और भी क्वेश्चंस है जो बहुत से लोगों ने पूछे कि मेरा चैनल नहीं चल रहा, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, ये एक बड़ा दुख देने वाला क्वेश्चन होता है एज अ क्रिएटर, हर एक क्रिएटर्स के लिए, बट दोस्त क्या करोगे, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्या सवाल है आपका कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट क्यू एन ए इसी वीडियो से मैं क्यू एन ए उठाऊंगा विद नेम के साथ, इस बार नेम नहीं ले पाया, विद नेम के साथ स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसमें, बट इट्स ओके, विल डू। आप करके इस कमेंट में लिखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं विल हेल्प, जिस भी सिटीज से वहाँ भी दो तीन चीज़ें नए प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके कंटेंट में, स्ट्रैटेजी में। कई बार मैं लोगों से कुछ सीक्रेट रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताऊंगा। सो बस इतना ही यार, कोई सवाल हो तो बताना, लाइव भी आने की कोशिश करता हूँ चैनल पर, अब तो रेगुलर रह रहा हूँ, वीडियोज़ अब बार बार आ रही है, वीक में 2-3 वीडियोज़ डाल रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि 4 वीडियोज़ आप लोगों तक लेके आ पाऊँ, कि व्हाट वी डू ऑन लाइक स्ट्रैटेजी, लाइक कंटेंट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस चैनल इज नॉट ओनली फॉर यूट्यूबर्स, दिस चैनल इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन वीडियो मार्केटिंग, और लाइक आप डिजिटली किस तरीके से अपना वो ग्रो कर पाते हैं, स्टार्टअप्स कैसे स्टार्ट कर पाते हैं, किस तरीके से अपना ई कॉमर्स बिजनेस जो मैंने बनाया आज अमेजोन पे मेरे प्रोडक्ट सेल होते हैं, कैसे आप अपना वो चीज़ बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूट्यूबर्स एक नाम है, इसके अलावा आप किस तरीके से अपने आप को स्केल कर पाएंगे वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर सिखाता हूँ। वी मेक क्रिएटर्स जो चैनल है वो सिर्फ यूट्यूब से नहीं है, ये आपकी ऑल ओवर ग्रोथ, यानी कि आपको स्टार्टअप्स भी क्रिएट करना है ना, अगर इफ यू आर अ पैशन प्रियोर तो विल गिव यू द चांस टू मेक अ स्टार्टअप, कि आप किस तरीके से अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों कि आप इस चैनल पे आते हैं और आप यहां से सीखते हैं, विल डू, विल गिव शेयर द लाइक स्टार्टअप्स न्यूज की क्या हुआ वो सब भी मैं आगे बताऊंगा, बस स्टे ट्यून यार, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, और अगर आप चाहते हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स है उसे जुड़ना, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।